तो ये है माइनक्राफ्ट का नॉर्मल टीएनटी जो कुछ ऐसे ब्लास्ट होता है। मजा नहीं आ रहा है। लेकिन आज हम सब इन टीएनटीस को ट्राई करने वाले हैं और ये टीएनटी नॉर्मल वाले से काफी ज्यादा खतरनाक है और सबसे लास्ट में 500x वाले टीएनटी को देखने वाले हैं हम। अगर तुम प्रो प्लेयर हो तो उसको तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो। इस टीएनटी को लगा सकता हूँ अभी तो भाई साहब मेरे को कुछ भी नहीं दिख रही। एक काम करते हैं यहाँ पे आगे ही लगा देते हैं क्योंकि ये पूरा जंगल बायोम है तो जंगल बायोम में तुमको पता है इतनी अच्छी जगह नहीं होती। तो यहाँ पे इस टीएनटी को लगाते हैं। एक सेकंड, मेरा फ्लिंटेड स्टील कहाँ गया भाई? यार ये भी मैं पता नहीं कहाँ कहाँ रख के भूल जाता हूँ। कोई ना, नाइट भाई कितनी जल्दी फट गई है वो। बाकी छोटा ही करा भाई, मेरे को लगा कुछ बड़ा करने वाला है ये, लेकिन इतना बड़ा इसने कुछ करा नहीं खास। मजा नहीं आया भाई साहब, बिल्कुल भी मजा नहीं आया इसको मेरे को इग्नाइट करने में, और फिर इसका ब्लास्ट देखने में तो बिल्कुल नहीं आया। मतलब जितना इन्हें ब्लास्ट करा ना तो काफी कम ब्लॉक से टूटे। अभी देखते हैं इस वाले से क्या हो सकता है। इग्नाइट करो, चलो भागो, पीछे भागो, पीछे भागो। ब्लास्ट, अबे भाई ये तो सिर्फ फुद्दू निकला। मतलब पूरे क्या पोपट काटने के लिए बनाया है। मैंने सामने एक टीएनटी रख दिया है, ये शायद एलजीबीटी वालों का है क्योंकि इसका कलर कुछ ऐसा ही था। अब अगर ब्लास्ट करके देखते हैं क्या ये इतना तेज फटता है। ऑलराइट गाइस, एक सेकंड, ये फट तो गया वहां से लेकिन मेरे को दिख क्यों नहीं रहा। ओ भैंस की आंख, व्हाट इज दिस भाई, देख रहे हो पूरा, मतलब पूरा यार यहां से स्नो थी पूरी पूरी, सब गायब कर दिया। मेरा डिवाइस गंदा लैग कर रहा है, सच बता रहा हूँ, बहुत भयंकर ही लैग कर रहा है ये तो। मेरे को थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, और दूर जाना पड़ेगा। देख रहे हो तुम कैसा रैंग रैंग के चल रहा है, ऐसा लग रहा है नोकिया 11-12 पता नहीं। तो गाइस ये इतना ज्यादा खतरनाक है, जो 500x पावर वालों को वो कितना ज्यादा खतरनाक। ओके, यहाँ पे हम एक और टीएनटी ट्राई करने आ चुके। पता नहीं मेरे को यार ये वाली जगह अच्छी क्यों रखी है, येलो वाला टीएनटी एक बार ट्राई करके देखते हैं। इग्नाइट करते हैं इसको और दूर भाग जाते हैं। भाई साहब क्या पता ज्यादा तेज छोड़ गया तो हमारी फट जाएगी। ओके, यहाँ पे फट चुका है। ओ भाई साहब काफी सही इसने, मतलब अच्छा खासा, मतलब काफी सारे अच्छे सारे ब्लॉक्स हटा दिए। मेरे को लग नहीं रहा था इतने अच्छे ब्लॉक्स से हटा पाएगा। यहाँ पे मैं यार ये टीएनटी को रख रहा हूँ, ये नो टीएनटी ऐसा कुछ करके लिखा हुआ, बट कोई नाम, इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। ऑल राइट, इसको इग्नाइट करते हैं। भाई ये फट भी गया और सिर्फ एक ही ब्लॉक गया, कितना फुद्दू टीएनटी है ये। दो ब्लॉक, दो नहीं एक ही गया भाई, इसको कितना ही कर लो, ये सिर्फ एक ही ब्लॉक पड़ता। अब हम कर रहे हैं 20x टीएनटी टेस्ट। वाओ अमेजिंग भाई सब। ओ भैंस की आंख, तुमने देखा कितना ज्यादा, मतलब ये ब्लॉक्स लेके गए अपने साथ। अब ये वाली जगह मेरे को अच्छी लग रही, केव के जस्ट ऊपर। मैं देखता हूँ कितने, अभी 5x वाला भी रखा था क्या मेरे पास, मैं तो भूल ही गया वैसा, पता नहीं यार मैं वैसा भूल किया हूँ। कोई ना, इसको इग्नाइट करते हैं 5x वाले को, 5x वाला देखते हैं भाई। ठीक है चलो 5x के लिए तो ठीक है यार, ज्यादा बुरा भी नहीं क्योंकि 5x पावर थी भाई सब उसकी। ये 2x वाला भी रखा, मतलब इसको इग्नाइट करते हैं। ओ भाई ये ज्यादा तेज फटा, मेरे को ऐसा लगा कि ये ज्यादा तेज फटा उस 5 वाले से। या नॉर्मल टीएनटी है शायद ये क्या होगा इससे, कुछ खास कुछ भी नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ। 5x वाले मेरे पास रखे यार, मैं भूल क्यों जाता हूँ। मात्र 3-4 ब्लॉक हटाएंगे सालों, फुद्दू बना दिया हमारा। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ एक 500x टीएनटी, अब इसमें मजा आने वाला है और लास्ट में हम कुछ अलग ही क्रेजी चीज करने वाले हैं इसके साथ। तो सबसे पहले इसको इग्नाइट करते हैं और देखते हैं भाई सब ये कैसा परफॉर्म करता है। वेट 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 भाई, फट चुका है वो, मेरे को दिख नहीं रहा क्योंकि मेरा डिवाइस गंदा तरीके से लैग कर चुका है अच्छे तरीके से। भाई मेरा गेम कितनी, ओ भैंस की, तुमने देखा मतलब यहाँ से सारे एक चंक ही डिलीट कर दिया इसने, पूरा डिलीट मतलब पूरा ब्लास्ट कर दिया एक चंक को। अमेजिंग भाई, अब इसको उस वाले टीएनटी का ब्लास्ट देख के भाई साहब मेरे दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो अब तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा मैं बेडरॉक क्यों रख रहा हूँ। भाई साहब यहाँ पे मैं बताता हूँ बेडरॉक क्यों रख रहा हूँ। सबसे पहले एक बिल्ड कंप्लीट कर लेता हूँ यहाँ पे, पहले साइड में बस 2-3 ब्लॉक और लगा दूँ और ये मेरा पूरा कंप्लीट है। अब मैं इसके अंदर, अरे यार मैंने पूरा पैक कर दिया, इसको तोड़ना पड़ेगा। मैं इसके अंदर जाता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मेरे को चाहिए एक बेड। अभी तुम्हारे को समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि मैं करना क्या चाहता हूँ, बेड कहाँ है, बेड बेड बेड। ओके ये वाला बेड लेते हैं, यहाँ पे इसको काटते हैं और बेड प्लेस कर देते हैं और यहाँ पे अपना रिस्पॉनिंग पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है भाई साहब, बाहर के साइड जितने सारे मेरे 500x वाले टीएनटी हो सकते हैं मैं सारे के सारे यहाँ पे बिछा दूंगा और देखते हैं उसके बाद भाई साहब क्या होने वाला है। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, इसलिए मैंने बेडरॉक से पहले अपने बेड को कवर कर दिया क्योंकि बेडरॉक को ऑफकोर्स नहीं तोड़ सकते भाई साहब कुछ भी पावर। तो मैं यहाँ पे सारे के सारे टीएनटी एक एक करके बिछा देता हूँ। और लेकिन एक चीज है कि अगर इन्होंने इस बेडरॉक को तोड़ दिया तो शायद मेरा रिस्पॉनिंग पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा और जैसे ये फटने वाले हैं तो भाई साहब शायद मैं पता नहीं कितनी दूर जाने वाला हूँ। इसलिए मैंने अपना रिस्पॉनिंग पॉइंट इसी बेडरॉक के अंदर बनाया है वाला है। मतलब मैंने ऐसा कोई डिजाइन नहीं बनाया, बस अनडिसेंड जहाँ पे आए ना मैंने वहीं पर लगाया गया बस। और यहाँ पे बस मैं इसको एक बार इग्नाइट कर देता हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत ज्यादा लैग कर रहा है गंदा, पता नहीं किस तरीके से। फ्लिंटेड स्टील, ओके यहाँ पे मैं किसको इग्नाइट करूँ, ये वाला से लग रहा है, इसको करते हैं। ओके गाइस तो अब दूर हट जाओ भाई साहब, मेरे को नहीं पता क्या होने वाला सच में, मैं बहुत ज़्यादा क्रेज हूँ इस चीज़ के लिए। ओ भाई कुछ तो हुआ है, ओ भाई क्या डैमेज, अबे ये क्यों नहीं फटे, वेट ओ अरे कहाँ गायब कर दिया इन लोगों ने मेरे को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। वेट भाई साहब तुम देख सकते हो मैं पूरी तरीके से गायब हो चुका हूँ, एक तरीके से बहुत ऊपर हूँ मैं,
बहुत ज्यादा ही ऊपर हो अभी, ब्लैक स्क्रीन हो रहा है कि मेरे को कुछ भी अच्छे से नहीं दिख रहा है, और साथ में मेरे को फटने की आवाज आ रही है। बाहर अभी भी बहुत सारे टीएनटी बाकी जो फट रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके। अब एक बार इसको तोड़ के देखते हैं बाहर से बेडरॉक। ओके ओ भाई उसकी क्या तबाही मचाई भाई चारों तरफ भाई, पूरा खतरनाक इन टीएनटी ने, मतलब पूरा एकदम मेरा बेस यहाँ पे सब उड़ा के रख दिया है, पूरा बेडरॉक दिखने लगा है नीचे तक।